अपनी महिला साथी संतुष्ट ना होने के 9 प्रमुख कारण कौन से हैं, ये मैं आज बताने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ और महाराष्ट्र में अकोला में पिछले 38 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों की पत्नियाँ, महिला पार्टनर बहुत कंप्लेन करती रहती, शिकायत करती रहती कि वो संतुष्ट नहीं है। हो सकता है कि वह दोष पुरुष का हो, उसका जल्दी वीर्यपात हो जाता है और फिर वो शुरू भी नहीं हुई तो इसका खत्म हो गया, इसके कारण होता है। मगर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पुरुष एकदम नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर तभी भी महिला संतुष्ट होती नहीं है, उसको ऑर्गेज्म नहीं आता है, उसको एक्साइटमेंट नहीं आता है। तो वो क्या कारण है, वो 9 कारण देखेंगे। तो नंबर एक जो है वो है कि कम उत्तेजित होना। सेक्सुअली कोई महिला ऐसी होती है कि उत्तेजित ही कम होती है, उनको इंटरेस्ट ही कम रहता है सेक्स में। तो कम उत्तेजित होना सेक्सुअली, कुछ भी किया तो भी सेक्सुअली कम उत्तेजित होती है, फिर वो संतुष्ट होती ही नहीं है, एक्साइटमेंट उनको कम होती रहती है। तो फिर ऐसे इसमें आपको ज़्यादा फिजिकल होना पड़ेगा, ज़्यादा फोरप्ले करना पड़ेगा, ज़्यादा समय तक फोरप्ले करना पड़ेगा, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के ऊपर मसाज करो, स्टिम्युलेट करो, ऐसा करना पड़ेगा ताकि उत्तेजना आ जाएगी। नंबर दो, सेक्स के बारे में चिंता, सेक्सुअल परफॉर्मेंस के बारे में चिंता। क्या मैं सेक्सुअल परफॉर्मेंस कर सकूंगी, क्या मैं मेरे पार्टनर को सुख दे सकूंगी, उसके बारे में चिंता करना, फिक्र करना और उसके बारे में सोचते रहना, डर रहना, तो वो कारण से भी वो संतुष्ट होती नहीं है और वो एक्साइट होती नहीं है। नंबर तीसरा कारण जो है कि मूड्स, यदि उसको डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है, मतलब चिंता रोग है, डिप्रेशन की बीमारी है, या कोई ऐसी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है कि जिसके वजह से वो तैयारी नहीं है सेक्सुअल रिलेशनशिप करने के लिए, तो मूड डिसऑर्डर समझो है, या मूड ठीक नहीं है, मूडी है, तो उसमें भी वो संतुष्ट होती नहीं है। चौथा कारण है शारीरिक बीमारी। यदि उसको आर्थराइटिस है, मतलब जोड़ों में दर्द है, हार्ट का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मोटापा है, तो फिर हलचल कम होती है, तो ऐसे इसमें फिर वो सब बीमारियाँ बीच में आती है और फिर वो उत्तेजित नहीं होती और उसको सेक्स में मजा आती नहीं है। पांचवा जो कारण है वो है कि पूर्वानुभव, मतलब सेक्सुअल सदमा बैठा हुआ है, बैड सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, उसको कुछ तो भी ऐसा फटका बैठा है, ट्रॉमा बैठा हुआ है, सदमा है, कि जिसके वजह से उसको एक डर सा बैठा हुआ है। सेक्स मतलब डर, सेक्स मतलब डरावना, सेक्स मतलब कुछ तो भी गड़बड़, ऐसा तो ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस है, और जब ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस है तो वो एक्साइट होती नहीं और उसको मजा भी नहीं आता है। छठवां जो है वो है रिश्तों में कड़वाहट। यदि पति पत्नी के रिश्ते, मेल फीमेल पार्टनर के रिश्ते, या आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में दूरी है, रिश्ते में कड़वाहट है, रिश्ते में मेलजोल नहीं है, तो फिर वो सेटिस्फाई होती नहीं है, वो उत्तेजित होती नहीं और सेटिस्फाई भी होती नहीं है। तो रिश्ते ठीक होना बहुत जरूरी है। बहुत ज़्यादा झगड़ा चालू है, ठीक नहीं है संबंध, अच्छे नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में, कुछ ना कुछ बीच में आ रहा है, तो बेड पर वो कभी समाधानी संतुष्टि हो नहीं सकती, उत्तेजित नहीं हो सकती है। तो नेक्स्ट है हार्मोनल चेंजेस। मेनोपॉज होता है, मतलब महावारी खत्म होती है, अराउंड 45 के आसपास हार्मोनल चेंजेस काफ़ी होती है, वजाना ड्राई हो जाता है, मतलब ये योनि जो है वो ड्राई होती है, सूखी हो जाती है। फिर वैसे भी उम्र ज़्यादा हो गई और एक ऐसा रहता है कि मेनोपॉज आ गया, मतलब महावारी खत्म होगी, मतलब अभी कुछ रहा नहीं है, ऐसा एक मन में हो जाता है और फिर उसको उत्तेजना आती नहीं है। तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से सेक्स की इच्छा कम होना, ये मानसिक भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट कारण है एंटी डिप्रेशंस, मतलब डिप्रेशन के लिए कोई दवाई लिया है, एंग्जाइटी के लिए कोई दवाई, कोई मानसिक स्थिति, मानसिक बीमारी के लिए कोई दवाई चल रही है, तो वो दवाई उत्तेजना नहीं लाती है, कम उत्तेजना लाती है, ऑर्गेजम कम करवाती है। नेक्स्ट पॉइंट है गर्भाशय का निकालना, मतलब हिस्टेक्टोमी कर लिया, ब्रेस्ट को निकाल लिया, मैस्टेक्टोमी कर लिया, कोई कारण से ब्रेस्ट निकाल लिया है, गर्भाशय निकाल लिया है, कोई बीमारी की वजह से उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए गर्भाशय निकाल लिया, स्तन में कोई प्रॉब्लम है गठाने इसलिए स्तन निकाल लिया है, तो फिर एक ऐसी मानसिक अवस्था हो जाती है कि अपन अभी काम के नहीं रहे, अपन अभी स्त्री नहीं है, ऐसा कुछ मानसिक स्थिति हो जाती है और फिर उसका इंटरेस्ट चले जाता है। तो ये कारण है कि जिसके वजह से स्त्री संतुष्ट होती नहीं है, उसको उत्तेजना नहीं आती है, समाधान नहीं होता। फिर ऐसे इसमें क्या है, ऐसे इसमें बातें करना, शुरू में काफ़ी रोमांटिक बातें करना, फोर प्ले ज़्यादा समय तक करना, समझो गोलियां खा रही तो गोलियां बंद करना, जो शारीरिक बीमारी है उसका इलाज करना,
और जितना ज़्यादा फोर प्ले कर सके, जितना ज़्यादा एक्साइटमेंट ला सके, जितना ज़्यादा क्लाइड्रल स्टिमुलेशन कर सके, ब्रेस्ट का स्टिमुलेशन कर सके, या उसको पूछे कि भाई आपको कहाँ कहाँ स्टिमुलेट करने के बाद में उत्तेजना आती है, अच्छा लगता है, तो वो पूछे। और वो यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली स्त्री एक्साइट हो जाएंगी, सेक्स में उसको भी मजा आएंगे और आपको भी मजा आएगी। वीडियो आपको अच्छा लगा था जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।